नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल नैनीताल हाई कोर्ट ने कल्याण बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और पौड़ी के जिलाधिकारी संबंधित जिलों में हुए घोटाले की जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार की ओर से संबंधित अधिकारियों को 4 महीने पहले जांच के आदेश दे दिए गए थे। क्या ये पूरा मामला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में चुनावी साल के बीच सरकार की एक बार फिर से कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले मामले ने टेंशन बढ़ा दी है। टेंशन क्यों, तो अब वो भी जान लीजिए। दरअसल हाई कोर्ट ने कर्मकार कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के डीएम को रिपोर्ट तलब करने की जिम्मेदारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट 8 दिसंबर से पहले कोर्ट में पेश करने के लिए कह दिया है। याचिकाकर्ता काशीपुर निवासी खुर्शीद अहमद की ओर से बताया गया कि उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी में जिला अधिकारी अपने यहां हुए घोटालों की जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार ने उन्हें जांच के आदेश 4 महीने पहले दिए थे। पूर्व में सरकार की तरफ से एक जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए बताया गया था कि 20 करोड़ रुपए का गबन नहीं हुआ है। जो रकम थी वो विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से किसी दूसरी कंपनी को दे दी गई। अब वो सरकार के खाते में जमा हो गई है। बोर्ड के जिन अधिकारियों के कारण ये हुआ, सरकार उन पर कार्रवाई करने की अब बात कह रही है। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की उसमें तत्कालीन सचिव दमयंती रावत, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी बीमा निगम डॉक्टर आकाशदीप, मुख्य फार्मेसिस्ट बी एन सिंबाल, वरिष्ठ सहायक नवाब सिंह शामिल है। पिटीशन में एलिगेशन है कि इसमें कई 100 करोड़ का घोटाला बोर्ड में हुआ है और इसमें सरकारी धन की बहुत बंदरबांट हुई है। उस पर आज कोर्ट ने कविडेंस लिया है, जिसमें ये कहा है कि सरकारी आदेश के बावजूद जो 4 जिले हैं, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून और उधम सिंह नगर, इनके जिलाधिकारियों ने अभी तक भी 6 महीने से ज्यादा हो गया जो अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो आज सरकार को ये डायरेक्शन दिया है कि 1 तारीख तक इन 4 जिलाधिकारियों से रिपोर्ट सबमिट करें और उस पर क्या एक्शन सरकार ने लिया है। 7 तारीख तक वो सरकार ने एक्शन लेना है और 8 तारीख को कोर्ट में उसकी सुनवाई। आपको बता दें, जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। आरोप ये कि साल 2020 में कर्मकार बोर्ड में श्रमिकों को टूल किट, सिलाई मशीन और साइकिल देने के लिए तमाम समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए थे, लेकिन इनको खरीदने में बोर्ड के अधिकारियों ने वित्तीय अनियमितताएं की। जब इसकी शिकायत की गई तो अक्टूबर 2020 में बोर्ड को भंग कर दिया गया और बोर्ड का नया चेयरमैन शमशेर सिंह को नियुक्त किया गया। चेयरमैन ने जांच कराई तो घोटाले की पुष्टि हुई, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस मामले पर अब सियासत गरमा रही है। मौसम चुनाव का है, ऐसे में बीजेपी संभल कर चल रही है। बीजेपी दुहाई दे रही है, फिलहाल वो कई कार्यक्रमों में व्यस्त थी, लेकिन अब राज्य सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कोर्ट के आदेश का पालन करने की गुजारिश की है। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, पारदर्शिता के साथ हर काम को करना चाहती है। माननीय न्यायालय ने जो कहा है उसका पालन किया जाएगा और निश्चित रूप से उसका पालन किया जाना चाहिए। तो जो कर्मकार बोर्ड में जिस तरह की, अगर मुझे लगता है कि जो भी उसमें जिस तरह की जो भी बातें सामने आ रही हैं, उनको जनता और सबके सम्मुख आना चाहिए। हर जिस विषय पर, जहां पर भी किसी भी प्रकार की ये लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है या किसी भी प्रकार की कोई आशंका है, तो उस आशंका को निर्मूल साबित करने के लिए उसकी जांच होनी चाहिए और जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, उसको अलग हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही वो कर्मकार कल्याण बोर्ड है जिसके चलते यहाँ एक एक नहीं दो दो मुख्यमंत्रियों को अपना पद गंवाना पड़ा।
दरअसल अगर आप तह में जाएंगे कि त्रिवेंद्र रावत जी और तीरथ रावत जी के जाने का कारण क्या रहा, वो यही नूरा कुश्ती रही, यही कर्मकार कल्याण बोर्ड रहा, क्योंकि इसमें एक बड़े लेवल पर घपले घोटाले की बदबू आ रही थी। और इनके खुद के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्ताल ने ये बात कहा कि विभागीय मंत्री भी उसमें शामिल है। कुल मिलाकर राज्य सरकार को चाहिए कि वो कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करे। देखना होगा कि कब तक राज्य सरकार इस मामले पर अपना डंडा चलाती है। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी के बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन ने गदरपुर के मुख्य मार्ग पर सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार महाजन ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपने किताब जिसका विमोचन दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम ने किया है, इस किताब में हिंदुओं को आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ा गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसलिए हम सलमान खुर्शीद का पुतला फूंक कर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कल जब उनकी पुस्तक का विमोचन हुआ था, और विमोचन किसने किया था, दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम जी ने, उसमें कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं जिसमें हिंदू समाज व हिंदुत्व को इन्होंने उस आतंकवादी संगठन के समकक्ष खड़ा कर दिया है जिसको ISIS और बोको हराम कहते हैं। बोको हराम नाम का इस्लामिक आतंकवादी संगठन जिसका नाम यहाँ कम लोग जानते होंगे, दक्षिण अफ्रीका में यह सैकड़ों हत्याओं करने का यह दोषी पाया गया है। उस आतंकवादी संगठन का नाम है आईएस और बोको हराम। बीजेपी मुख्यालय पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। हालांकि बैठक में उम्मीद के मुताबिक बहुत कम जनप्रतिनिधि ही पहुंचे थे। बीजेपी ने अपने 2022 विधानसभा चुनाव का बिगोला फूंक दिया है और अब लगातार बीजेपी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है, जिसके चलते उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी, सरदार RP सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम लगातार पार्टी के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपको जहां अधिकारियों के साथ चुनाव प्रभारी ने बैठक की, तो वहीं प्रदेश कार्यालय पर सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया और इन जनप्रतिनिधियों में मेयर, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष को बुलाया गया, लेकिन बैठक में केवल 30% लोग ही पहुंचे थे। लोगों से मैं मिल रहा हूँ और आज हमारा पहली बार चुनाव निर्वाह समिति इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अनुमति में है, उसमें डिटेल में चुनाव मैनेज हर एक क्षेत्र में कैसा चले, कैसा करना चाहिए, वो भी हम आज चर्चा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको विश्वास में लेके हम इस बार 60 पार, ये जो हमारा एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य पारित करने के लिए आज पूरा दिन विविध स्तर का आज हमारा बैठक है। और जैसे मैंने कहा, 15 और 16 हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहा है, उसका भी कार्यक्रम का चर्चा हम डिटेल में करेंगे। और हमारा लगातार हमारा प्रयास इसमें रहेंगे। बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो लोग आने वाले हमारे वरिष्ठ लोग हैं, और इसमें विभिन्न हमने विभाग बनाए हुए हैं, सारे विभागों के प्रमुख भी इसमें रहेंगे। आज के बाद जो हमारा चुनाव का जो अभियान है, यानी अभी तक जो चुनाव का प्रबंधन, चुनाव का बाकी संगठन के आधार पर बूथ, ये पन्ना प्रमुख, मंडल, ये सब, अब हम पब्लिक के अंदर जब अपनी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जा रहे हैं, तो हमारी जो प्रबंधन कमेटी है, अब इसके माध्यम से हम
सारे अपने विभागों को आज से वो संभालेंगे। उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस एकजुट होने का दावा कर रही है। ये दावे हकीकत में कितने धरातल पर उतरे हैं ये तो भविष्य ही बता पाएगा, लेकिन दावों पर अगर यकीन किया जाए तो उत्तराखंड में सत्ता की बिसात पर मोहरे चलाने वाले बादशाहों का तख्ता पलट हो सकता है। दरअसल ऋषिकेश पहुंचे हिमाचल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड के गढ़वाल कांग्रेस प्रभारी कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस साम दाम दंड भेद सभी अपनाने के लिए तैयार है। सबसे पहले 132 साल पुरानी कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। जब सरकार बन जाएगी तो हर आदमी जो है हम एकजुट होंगे। सरकार बनेगी तो हर कार्यकर्ता की सरकार होगी, हर कार्यकर्ता विधायक होगा, हर कार्यकर्ता मंत्री होगा, तो उसकी सरकार है क्योंकि उसने अपनी दिन रात मेहनत करके सरकार बनाई है। और हमारा फर्ज है कि हर कार्यकर्ता का मान सम्मान जो यथा जो उसकी शक्ति है उसके मुताबिक उसका मान सम्मान जो है हम रखेंगे। और ये हमारी ड्यूटी है, मैंने वहाँ पब्लिक मीटिंग में भी कहा कि किसी कार्यकर्ता को किसी के भी मन मुटाव हो तो हमारे से बात करें। विधानसभा ज्वालापुर के मानुबांस में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का छिड़काव किया। आपको बता दें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं, जहां ना जाने कितने किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री राजनीतिक खिलवाड़ करके किसानों को बरगलाना चाहते हैं। ये सरकार किसान विरोधी है, लगातार किसानों पर जुल्म करती आ रही है, इसीलिए मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम स्थल पर गंगा जल कर इस भूमि को पवित्र किया जा रहा है। और इस भूमि पर बीजेपी राजनीतिकों के छल कपट की राजनीति के कारण ये भूमि अपवित्र हो गई थी, जिस पर हम गंगाजल छिड़क कर मानुबांस की इस भूमि को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे किसान मेले का आयोजन किया है। मैं भाजपा सरकार से सवाल आप लोगों के माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी में भाजपा किसानों के साथ क्या कर रही है उसके बारे में कोई सवाल नहीं करता। और हमारे शुगर मिल के बराबर में हमारे किसान लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं, उनको उनका जो पैसा है वो बकाया दिया नहीं जा रहा है। इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस आज यहाँ पे जल छिड़काव कर शुद्ध जल छिड़क कर जो हमारी विधानसभा को ये यहाँ पे आकर दूषित करने का जो कार्य किया है इसे शुद्ध हम गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध करने का कार्य करेंगे। हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पाप किया है घाट क्षेत्र में आकर किसानों के नाम पे आके हमको गुमराह करने की कोशिश करी है, हम सब उन्होंने ये निर्णय कराया हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, भाई साहब के नेतृत्व में, कि हम उस स्थान को पवित्र करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कदम वहां पड़े हैं और वो स्थान अपवित्र हो गया है, उसको पवित्र करने के लिए हम लोग गंगा माँ गंगा का जो आशीर्वाद लेके आए हैं, उनका जल लेके आए हैं और वहाँ पे छिड़काव करके उसका वहाँ पे शुद्धिकरण करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान के मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित रायगांव में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसान आप बता दें किसान कांग्रेस और राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेश महामंत्री प्रमोद मंडरवाल पूर्व जिला पंचायत सदस्य तामेश्वर आर्य जिला अध्यक्ष श्रीकांत की तरफ से उपस्थित लोगों ने विकास चौहान का पौड़ी आगमन पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान विकास चौहान ने कहा कि पहाड़ में अनुसूचित जाति समाज के लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए युवजन समाज की तरफ से लगातार प्रयास किए जाते हैं। सुविधाओं से महरूम पात्र अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए पहाड़ी क्षेत्र में भी उनकी लड़ाई को प्रमुखता से लड़ने को लेकर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसके तहत मनमोहन सिंह डेनियल को जिलाध्यक्ष, रामेश्वर आर्य को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को साधना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय के नेतृत्व में सभी पूर्व विधायकों, पूर्व दायित्वधारियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आने वाले
2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर गहन चिंतन मंथन किया गया। वहीं आने वाले कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और ज्यादा जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि आने वाले दिनों में पार्टी 252 मंडल सम्मेलन प्रस्तावित है। कार्य समिति की बैठक सहित सभी मोर्चा के बड़े सम्मेलन भी आने वाले दिनों में होने वाले हैं। चुनाव की दृष्टि से लगातार हमारे कार्यक्रम चाहे वो जिले में हो, मंडल में हो, विधानसभा में हो, इससे चल रहे हैं। आने वाले इस महीने में 252 हमारे मंडल सम्मेलन होने वाले हैं, हमारे जिले कार्य समिति होने वाली है, हमारा अनुसूचित मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इसके बड़े सम्मेलन होने वाले हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन हमारे इस समय चल रहे हैं। इसी बीच में हमारे चुनाव के प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन के प्रभारी, सह प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सबके कार्यक्रम भी चुनाव की दृष्टि से प्रस्तावित है। जहां एक ओर मैंगलोर क्षेत्र के देहात से निकलकर खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, तो वहीं मैंगलोर के भरतपुर गांव में स्वर्ण पदक विजेता और राजस्थान के सादुलपुर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर कृष्ण पुनिया ने रेसलिंग हॉल का लोकार्पण किया। दरअसल भरतपुर गांव के निवासी पहलवान ओम वीर सिंह ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए 5 बीघा जमीन दान की, जिस पर स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर कृष्ण पुनिया ने लोकार्पण किया, जिससे युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी। आगे तो देहात में तो पले बड़े हैं, खुशी होती है हमेशा देहात में आके। और आज हमारे जो मंगलोर से विधायक हैं काजी निजामुद्दीन जी, उन्होंने अपने विधायक निधि से यहाँ रेसलिंग की प्रतिभाओं को देखते हुए रेसलिंग हॉल देने का निर्णय लिया, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर उन्होंने प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए उसी सोच के हिसाब से जो आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा है, निश्चित तौर पे उनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ। और आने वाले समय में हमारे जो पहलवान हैं वो काफ़ी ओमवीर जी जो हैं, काफ़ी लड़कियों को, अपनी बेटियों को भी आपने आगे बढ़ाया है इंटरनेशनल लेवल तक। निश्चित तौर पर इनकी प्रतिभा जो है हमारे काम आएगी और हमारी प्रतिभाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। गदरपुर में एक महिला की हत्या हो गई थी, जिसके बाद गदरपुर पुलिस मृतका के भाई की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर जांच कर रही थी। इसी कड़ी में गदरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने गदरपुर के मुकंदपुर के कब्रिस्तान के पास से हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने पूछताछ की तो पता लगा कि हत्या का आरोपी मृतका का जीजा ही था और पारिवारिक कलह के चलते रंजिश रखता था। इसी के चलते महिला की हत्या करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने की बात भी आरोपी ने कबूल की। जैसा कि FIR में बताया गया था कि उनकी सिस्टर साइस्ता तकरीबन 21 साल की थी, वो घर पे अकेली रह रही थी उस टाइम। और जब वो वापस आए 30 तारीख को, तो अपनी सिस्टर को मरुही अवस्था में पाया और अर्धनग्न अवस्था में पाया। पुलिस के द्वारा जो है छानबीन की गई, आसपास के लोगों से जानकारी की गई, तमाम CCTV उनका भी अवलोकन किया गया और आसपास के लोगों से जानकारी की गई, तो एक लेडी के द्वारा ये संज्ञान में बात आई कि एक व्यक्ति आरिफ नाम का, वो घटना से एक दिन पहले वहाँ आया था। उसके द्वारा उस लेडी को ये बताया गया कि साइस्ता जो है मृतका, उसका जो है पारिवारिक विवाद उनसे था और उनकी जो साइस्ता की बड़ी सिस्टर नूरबानो थी, उसने आरिफ को छोड़ दिया था और उसका कारण भी वो साइस्ता को ही मानता था। थरारी में GIC नारायण बगड़ के खेल मैदान में 14 SD NCC कैंडिडेट्स के लिए 5 दिनों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय से बतौर सेना के प्रशिक्षक हवलदार वीरेंद्र सिंह, हवलदार दिनेश सिंह, आनंद सिंह के दिशा निर्देश में 5 दिनों तक NCC कैडेट्स को सेना से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिससे NCC कैडेट्स को प्रमुखता से ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, वेपन ट्रेनिंग और NCC के इतिहास से संबंधित प्रशिक्षण भी बताया गया। ऐसे में आपको बता दें कि प्रशिक्षण के आखिरी दिन NCC कैडेट्स ने देशभक्ति, पर्यावरण पर शानदार नाटक करने, गढ़वाली लोक संस्कृति पर आधारित लोकगीतों और नृत्य की लाज भाव प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। UK बटालियन गोपेश्वर द्वारा 14 SD प्लाटून GIC नारायण बगड़ में 5 दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया,
इस कैंप के दौरान हमारे एनसीसी कैडेटों ने ड्रिल, वेपन, साथ ही लेक्चरर्स आदि जो है प्रशिक्षण में प्रतिभा किया है, और हमारे भुवनेश्वर से आए हुए हमारे पीआई स्टाफ श्री धीरेन्द्र सिंह जी और श्री आनंद सिंह जी ने कैडेट्स को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में प्रतिभा कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं सभी को जय हिंद कहूंगी, और मैं एसडब्ल्यू सीनियर कैडेट मोनिका और मैं यही कहूंगी कि सभी जो आने वाली गर्ल्स हैं उनको भी एनसीसी में आना चाहिए, जिसमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चीजें सीखी है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वॉल्यूम के बटालियन एनसीसी गोपेश्वर का और 14 SD प्लाटून एनसीसी नानगढ़ का भी। हमारे पी आई स्टाफ ने हमारी बहुत बहुत मदद की। वॉल्यूम के बटालियन एनसीसी गोपेश्वर से 14 SD प्लाटून GIC नारायणगढ़ में एनसीसी कैडेट्स को 5 दिन के परीक्षण के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर हमने 5 दिन में कैडेट्स को एकता और अनुशासन, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, FCBC और मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन के बारे में प्रशिक्षण दिया। हरिद्वार रोड पर नगर निगम के बाहर हाईवे के किनारे लगी सब्जी मंडी को फिर से हटाने के दौरान जमकर हंगामा हो गया। नगर निगम प्रशासन और सब्जी व्यापारियों के बीच जमकर बहसबाजी हुई और सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम को बार बार जगह बदलकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। आपको बता दें, करीब 1.5 घंटे तक चली इस बहस के दौरान मौके पर व्यापारी नेता भी पहुंचे। सभी ने नगर निगम की अचानक से कार्रवाई करने का विरोध किया। विरोध बढ़ने पर नगर निगम ने पुलिस बुलाई। काफी गहमागहमी के बाद आखिर में नगर निगम प्रशासन ने सब्जी व्यापारियों को चंद्रभागा नदी किनारे एक संस्था की अब जमीन पर दुकानें लगाने की अनुमति का पत्र जारी किया, जिस पर सब्जी व्यापारियों ने जाने से इनकार कर दिया। फिलहाल सभी सब्जी व्यापारी बिना अनुमति के ही जीवनी मार्ग स्थित अपने पुराने स्थानों पर ही दुकान लगा रहे हैं। यहाँ पे ये आम रोड है, यहाँ पे कोई मंडी नहीं है, क्योंकि ये हाईवे नेशनल है। यहाँ पे NH की सड़क है, मेन मार्ग है। यहाँ पे वहाँ से जो है दाएं भी बाएं भी दोनों तरफ दो बैठे हुए हैं, सब्जी लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं। 10-12 दिन यहाँ कोई घटना भी घटी थी, तो हमारे नगर आयुक्त महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक हमारे ट्रेनिंग पॉलिसी। रुड़की में अवैध खनन को लेकर बुग्गावाल क्षेत्र में ग्रामीण और घाट क्षेत्र श्रमिक कल्याणकारी समिति लामबंद हो चुकी है। उनका कहना है कि हमारे गांव बांजेरे बाला के पास रात के अंधेरे में नदी के बीचों बीच बड़े पैमाने पर JCB और HM की मदद से अवैध खनन का काम किया जा रहा है। उन्होंने मां भगवती स्टोन क्रेशर पर आरोप लगाते हुए बताया कि कई बार रात हमने नदी में अवैध खनन करने से रोका और पुलिस को सूचना दी, बावजूद इसके वो क्रेशर संचालक जो है नदी के बीचों बीच अवैध खनन का काम कर रहे थे। उनका कहना है कि हमने अवैध खनन की तहरीर थाने में दी और एक पत्र मुख्यमंत्री को भी दिया, उसके बाद भी जब इस क्रेशर संचालक ने अवैध खनन नहीं रोका तो हमें विवश होकर यह प्रदर्शन करना पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।